50वीं जयंती आज, बापू का 150वें जन्मदिवस मनाने से संबंधित शुरू होंगे दुनिया भर में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के समापन समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट जाकर पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 3 दिन की यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, आतंकवाद और हिंसक घटनाओं को रोकने में भारत संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा की पहली बैठक का आयोजन आज दिल्ली में होगा। बैठक के बाद ग्रेटर नोएडा में मंत्री स्तरीय बैठक भी होगी। सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी ILFS की आर्थिक हालत सुधारने के लिए उठाया कदम, कंपनी के बोर्ड को किया पुनर्गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत एवं उज्बेकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने तथा सामरिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प व्यक्त किया। दोनों देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यटन, फार्मा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 17 समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से फोन पर बात कर वहां आई सुनामी से हुए नुकसान पर जताया दुख। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया का मित्र देश होने के नाते हर मुमकिन मदद देने का दिया भरोसा। भगौड़े बैंक अपराधी नीरव मोदी पर कसा शिकंजा, देश विदेश की 637 करोड़ रुपए की संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने किया जब्त। सरकार ने कहा, नीरव मोदी के भारत लाने के लिए किए जाएंगे हर संभव प्रयास। GST के अंतर्गत राजस्व वसूली में इस साल अगस्त के मुकाबले सितंबर में वृद्धि हुई है। सितंबर में GST का संग्रह 94,442 करोड़ रहा है, जबकि अगस्त के महीने में यह आंकड़ा 93,690 करोड़ रुपए था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। अमेरिका के जेम्स पी एलिसन और जापान के तासुको होंजो ने संयुक्त रूप से जीता इस साल का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। कैंसर की दुर्लभ बीमारी के इलाज में सहायक थेरेपी का किया विकास। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र फिर हुआ उजागर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कैबिनेट में मंत्री नूर अल हक कादरी ने आतंकी हाफिज सईद के साथ मंच किया साझा। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के बेबुनियाद आरोपों पर भारत ने किया पलटवार। इंडोनेशिया के सुम्बा द्वीप के निकट 5.9 तीव्रता का भूकंप के कारण चर्च में 34 छात्रों की मौत, 52 लोग हैं लापता।